जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यश मनी, आपका प्यारा सा फिश टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के कारण बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट अभी नहीं निकला है। हालांकि कॉपियां भी जांच नहीं हुई है, बहुत सारी कॉपियां भी जांच होना बाकी है। क्लास 12th का कॉपी भी जांच हो गया, रिजल्ट भी निकल गया। क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम होने के बाद कोरोना वायरस फैल गया था और उसके बाद सारी की सारी चीजें ठप पड़ गई थी। हालांकि कोरोना वायरस का असर हरेक क्षेत्र में, एजुकेशन से लेकर बिजनेस से लेकर हरेक क्षेत्र में मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, और ऐसे में बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का इंतजार का घड़ी खत्म होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अब जल्द ही बिहार बोर्ड के आनंद किशोर सर ने अनाउंस किया है कि 6 मई से आप लोगों का कॉपी जांच होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको सारा न्यूज दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे डियर वाले स्टूडेंट की जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, क्लास 11th की फुल स्टडी इस एमिंग आई हिंदी यूट्यूब चैनल पे हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिए। अगर आपने एग्जाम अच्छा से दिया है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे करके हर दिन गुजर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और न्यूज बताता हूं, और वो न्यूज ये है स्टूडेंट्स की बिहार बोर्ड की ओर से 4 मई को इंफॉर्मेशन आया था कि कॉपी का जांच 17 मई तक, यानी जब तक लॉकडाउन है तब तक टल जाएगा। 17 तारीख के बाद कॉपी जांच होगा, सुबह में आया था 4 मई को। लेकिन उसके बाद तुरंत दोपहर में बिहार बोर्ड ने फिर से एक नोटिस जारी की और उसने बताया, आप इस नोटिस को देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया कि 17 तारीख के बाद आप लोग का कॉपी जांच होगा। यहां पे आप विषय देखेंगे तो यहां भी आप लोगों को पता चलेगा, यह बिहार बोर्ड की ओर से जारी किया गया नोटिस है। मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, देखिए यहां भी लिखा हुआ है आप लोगों को कि 17 तारीख तक स्थगित रखा जाएगा कॉपी का मूल्यांकन। लेकिन इसके बाद दोपहर में ही बिहार बोर्ड की ओर से एक और नोटिस आया कि हम लोग जल्द सोचते हैं कि कॉपी का जांच कब शुरू करें। और उसके बाद शाम तक ये घोषित कर दिया गया कि 6 तारीख से आप लोगों का कॉपी जांच होगा। आप अगर कोई भी न्यूज पेपर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि मैट्रिक का मूल्यांकन का कार्य कल से शुरू होगा। देख लीजिए, मैट्रिक के मूल्यांकन का कार्य कल से शुरू होगा, यानी 6 मई से बोर्ड अध्यक्ष अनंत कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर मैट्रिक का मूल्यांकन 6 मई से शुरू हो जाएगा। मतलब बिहार बोर्ड रुकने वाला नहीं है, अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाए। तो क्लास 10th के बच्चे जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो तो होने जा रहा है, लेकिन क्या आप पढ़ने के लिए रेडी? क्योंकि सिर्फ रिजल्ट आने से तो कुछ होगा नहीं स्टूडेंट्स, स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमिंग हाई का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। या फिर मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से क्लास 11 साइंस का स्टडी करना चाहते हैं तो एमिंग हाई यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग का इंतजार खत्म हो गया होगा, आप इस न्यूज को पढ़ लीजिए, इस न्यूज को अपने दोस्तों में जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस न्यूज को देखकर जान सकें कि जल्द से ही कॉपी चेक होने वाला है बिहार बोर्ड का। अब उनको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको, रिजल्ट कैसा आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या कितना मार्क आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि एमिंग हाई हिंदी के स्टूडेंट्स जो अपना एक्सपेक्टेशन खुद पहले से करके रखें कि मेरा इतना मार्क आ सकता है। मिलते हैं आपसे एक और स्टडी के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।